बात कर रहे हैं जेई मेंस में जो क्वेश्चन पूछे गए उनका डिस्कशन करेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में, जो हमने टॉपिक अभी कंप्लीट किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 2016 में पूछा गया है। पहले आप एक बार ट्राई करें, ABCD का जवाब दें आप में से कोई भी एक, फिर मैं बताता हूँ। ये सारे क्वेश्चन हम इस टाइप के डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, नहीं याद आएगा तो फिर मैं बताऊँगा। एक एक बार आप ट्राई करें इनको। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2016 मेंस में पूछा गया है, 2x^4 12 + 5x^9 (x^5 + x³ + 1) (3) है। इसको सॉल्व करना है और ABCD में ऑप्शन देना है। चलिए बताइए कौन बताएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सलूशन। यहाँ पर कर देता हूँ इसको। ये उस टाइप के केसेस हैं जिसमें, अगर याद हो आपको तो यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर में x^5 x³ और 1 है, ऊपर x^12 और 5x^9 है। इसमें अगर याद हो तो मैंने एक बात बताई हुई थी कि डिनोमिनेटर में जो है वो जो मैक्सिमम पावर वाला टर्म है, जैसे कि यहाँ पर x^5 है तो उसको कॉमन ले लेते हैं। तो ये क्वेश्चन अब मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से। 2x^12 (5x^9)/(x^5) जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो 5 कॉमन बाहर आएगा और 3 उसकी होल पावर है, तो 15 बाहर आ जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा, 1 + 1/x, 5 कॉमन लिया है तो 2, और यहाँ पर x^5 आ जाएगा। माइनस तो तब होगा जब ऊपर ले जाएंगे और होल पावर 3 है। ये यहाँ पर हमारा क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन जेई मेन्स में इस तरीके के पूछे गए हैं, कई सारे क्वेश्चन। तो इसमें क्या करते हैं, हम जो डिनोमिनेटर है उसकी मैक्सिमम पावर को जो है वो कॉमन ले लेंगे, और कॉमन लेने के बाद, जब कॉमन ले लेंगे तो उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो देखने में कुछ इस टाइप का दिखेगा। 2 / x^5, देखो 15 को इसको 12 से डिवाइड कर दो तो ये 3 हो गया, और 5 ये 9/15 होगा तो 6 हो जाएगा, और होल डिवाइडेड बाई 1 + x^-2 और x^-5। इसको टी लेट कर लेते हैं, 1 + x^-2 और ये जो है वो टी हो जाएगी। तो जैसे इसको टी लेट करोगे तो ये -2x^-3, तो इसको नीचे ले जाके +3 कर देते हैं। 5/x^6 (dx) = क्या बन जाएगा, ये dt। तो यहाँ से 2 ये जो पूरा dx के साथ है ये क्या बना देगा, dt। बस यहाँ पर माइनस जो है उसको हम उधर भेज देते हैं, तो माइनस का dt/t^3 क्या बन जाएगा, 3। तो ये हो गया माइनस और t^-3 + 1/-3 + 1 + c। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, माइनस, यहाँ पर ये माइनस हो गया और एक माइनस नीचे आ जाएगा, तो वो माइनस कट कर देंगे, 1/2t² + c, क्योंकि t^-2 आएगा तो इसको अपॉन में ले आएंगे तो t^+2। और इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं, तो 1/2 और 1/, इसको ज़रा सॉल्व करो t को, तो जब t को सॉल्व करेंगे तो LCM ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 1 + x^2 कितनी है, 2 है, तो 1/x² और ये x^5 है और उसकी पावर क्या है, 2 है और +c। तो बस ये 5 जो है ऊपर जाके 10 बन जाएगा, जब LCM ले लेंगे आप तो यही आएगा, 2 × x^5 + x³ + 1 / 2 और +c।
ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब बताइए, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? भाई कोई डाउट बच्चों, यस और नो? तो ये हमारा, इसका ऑप्शन जो है वो डी जो है वो करेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर करते हैं सेकंड। अब सेकंड को आप एक बार ट्राई करें, सेम क्वेश्चन है, सेम जो डिनोमिनेटर में है उसकी पावर को आपको बाहर ले लेना है, मैक्सिमम पावर को, और उसके बाद फिर इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। एक बार ट्राई करें इसको। और विजिबल ना हो रहा हो तो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं इसको। थोड़ा सा जल्दी करेंगे और आंसर बताएं यहाँ पर क्या आ रहा है। एक्स की पावर 4 को बाहर ले लिया हमने, तो एक्स टू द पावर 3 बाहर आ जाएगी, क्योंकि होल पावर तो 3/4 साथ में चल ही रहा है। एक्स टू द पावर 4 बाहर लिया तो 3/4 बाहर आ गई, और यहाँ पर कितना हो गया, 1 + 1/x^4 होल पावर 3/4, तो ये 4 से 4 कट हो गया, तो क्या बन गया हमारा, dx/x^2 और 3 5, तो x^-5 dx होल डिवाइडेड बाई 1/1 + x^4 होल पावर 3/4। बस उसके बाद जैसे ही डिनोमिनेटर को t लेट करोगे, न्यूमरेटर अपने आप dx के साथ dt बना देगा। माइनस का 4/x^5 dx = dt, तो हमें dx/x^5 की वैल्यू चाहिए, तो dt/4 - dt/4, तो -dt और अपॉन में 4 बाहर आ गया, और t^4 क्या हो गया, 3/4 आया। किसी का आंसर इसका नहीं? t^-3/4 + 1/-3/4 + 1 + c, तो -1/4 t^1/4 होल डिवाइडेड बाई 1/4, 4 से 4 कट हो जाएगा, और प्लस सी। तो देखो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है तुम्हारा, सेकंड का -1, और t^t की वैल्यू रख देते हैं सीधे, 1 + 1/x^4 होल पावर 1/4 + c, तो ये हमारा ऑप्शन बी दिख रहा है, x^4 + 1/x^4 होल पावर 1/4 + c। ओके, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आ गया हमारा। चलिए तो फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड के पास पहुंचते हैं, थर्ड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, और इसका कॉन्सेप्ट भी हम पढ़ चुके हैं पहले कभी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका कॉन्सेप्ट भी हम पहले कभी कर चुके हैं।
ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, इसको हम मॉडरेट लेवल बोल सकते हैं, वो तो इजी लेवल था, ये मॉडरेट लेवल बोल सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा इजी और थोड़ा सा टफ इस टाइप से, क्योंकि पहचानना मुश्किल है कि ये कहाँ से आया और इसको कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा मैं आपकी मदद करता हूँ, इम्पॉर्टेंट है, खास ध्यान रखना है इसका, कई बार हम भूल भी जाते हैं, एक बार करने के बाद हम दोबारा भी भूल जाते हैं कि इसमें हमें करना क्या है, तो इसलिए ये क्वेश्चन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वन के साथ ई टू द पावर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स को एक साथ ले आते हैं डी एक्स के साथ, और बाकी जो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स है उसको ई टू द पावर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स के साथ अलग कर लेते हैं। अब यहाँ पर केवल एक ही फंक्शन दिख रहा है, तो दूसरे फंक्शन को इन टू में वन लेट कर लेते हैं। याद होगा आपको कि अगर कोई फंक्शन एक ही दिखेगा, चलिए चलिए बिल्कुल मैं देता हूँ टाइम, करिए करिए। देता हूँ 5 मिनट, देखिए आप ट्राई करिए, मैंने इसको वैसे बता दिया, ऐसे ही करिए आप, आ जाएगा आंसर। ऑप्शन बी आ रहा है, ओके बिल्कुल सही है, सही है, बढ़िया बढ़िया एकदम। देख लेते हैं कैसे करेंगे, इन्होंने निकाल दिया आंसर, यहाँ पर जैसे ही आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ई टू द पावर एक्स प्लस वन बाई एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट ई टू द पावर एक्स प्लस वन बाई एक्स, एक्स प्लस वन बाई एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, और सेकेंड फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स और इंटू डी एक्स, और प्लस के साथ क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वन बाई एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस वन बाई एक्स। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा कि एक्स का जब इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर x आ जाएगा और यहाँ 1 बाई एक्स और ई टू द पावर x प्लस 1 बाई एक्स, और प्लस में वही वेट कर रहा पूरा का पूरा कटने के लिए, आओ हम कट लेते हैं है कि नहीं, तो ये पूरा का पूरा पार्ट हमारा क्या हो गया, कट हो गया, तो आंसर हमारा जी हाँ बिल्कुल, तो ये आंसर आ गया हमारा x ई टू द पावर एक्स प्लस वन बाई एक्स और प्लस सी, ये हमारा ऑप्शन डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। ठीक है बच्चों, सभी को क्लियर है इसमें, बहुत बढ़िया आपने सही किया है। चलिए आगे बढ़े, फिर हो गया ये डन 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 डन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 ये भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बोल सकते हैं, काफ़ी बढ़िया सा क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन नंबर 4 कॉन्सेप्चुअल, वही क्वेश्चन जो हमें ज़्यादा परेशान करते हैं ना, जिनका आंसर जल्दी नहीं आता है, वही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं और वही कॉन्सेप्चुअल हो जाते हैं, और कुछ खास नहीं होता, जिसने भी हमें परेशान किया वो समझो अच्छा हो गया, करें आप इसको करें और देखें क्या कर सकते हैं इसमें। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स जो है वो फाई एक्स की इक्वल दिया है, बल्कि साई एक्स, इसको साई बोलते हैं, फाई नहीं है ये, साई एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 5 इंटू एफ ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन,
थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। आपके पास है टाइम 5 मिनट, 5 नहीं 3 मिनट्स हैं, और आपका समय शुरू होता है अब। करिए। और सिर्फ ऑप्शन ही नहीं बताना है, सॉल्व करके मैं पूछूंगा कि कहाँ से कैसे आया है। और ये प्रॉब्लम की हो रहा है भाई, बताते जाइए, समझ में आ रहा है। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, सीधे इंटीग्रेट करो ना। जहाँ जहाँ पर तुम्हें इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स दिखाई देगा, वहाँ पर साई एक्स रख देना, और यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। लेकिन यहाँ पर पहले हमें कुछ इसको टी के टर्म में ब्रेक कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम एक्स क्यूब को टी लेट करें, यहाँ पर अगर मैं एक्स क्यूब को टी लेट कर लेता हूँ, चलिए थोड़ी सी मदद कर देता हूँ मैं आपकी। अगर अपन एक्स क्यूब को टी लेट करें तो 3x² dx क्या बन जाएगा, डी टी। तो x² dx की वैल्यू क्या बन जाएगी, डी टी अपॉन 3। तो हमारे पास जो है वो x² नहीं है, तो ये x की पावर 5 से इसको ले लेते हैं साथ में। इसको ऐसे लिख लेते हैं, x³ एफ ऑफ x³ x² dx, और ये बन गया डी टी। तो क्वेश्चन बन गया 1/3 एक्स क्यूब की वैल्यू t, और ये हो गया एफ ऑफ टी, और ये हो गया डी टी। तो अब यहाँ से आप सॉल्व करें 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ टी और एफ ऑफ टी डी टी। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल आप लगा दीजिए और फिर इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसके बाद सॉल्व करके देखिए आप। करो करो फिर करो, जैसे भी कर सकते हैं आप करें। एक पॉइंट पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है। एक पॉइंट पे जाके थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बाकी कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जैसे यहाँ पर हम फॉर्मूला भी अगर अपना अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और इस पूरे का जो है वो होल इंटीग्रेशन। यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो 1/3 यहाँ पर हो गया टी इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी, ये ऊपर गिवन है। कहाँ पर गिवन है, ये गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी। ये क्या लिखा हुआ है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो 5x की इक्वल है। तो इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं।
इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी डी टी जो है वो फाई ऑफ टी की इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे टी और यहाँ कितना हो गया, फाई ऑफ टी माइनस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ तो ये वन हो गया, फाई ऑफ टी डी टी ये, तो इंटीग्रेशन ऑफ फाई ऑफ टी डी टी ये लिखा हुआ है। अब इस फाई ऑफ टी का इंटीग्रेशन तो हमारे पास है ही नहीं। अच्छा यहाँ पे एफ ऑफ टी है कि फाई ऑफ टी है, हाँ ठीक है एफ ऑफ टी डी टी है। तो ये एफ ऑफ टी को जो है हम फाई टी तो लिख सकते हैं, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद सोचना तुम्हारा काम है। अब क्या करोगे, क्योंकि यहाँ पर एक बार तो तुम रख दोगे भाई इस पूरे पार्ट की जगह पे, ये जो दिख रहा है ना हमको यहाँ पर, अगर इसको मैं बॉक्स के अंदर बंद कर दूँ, तो यहाँ पर इस वाले पार्ट की वैल्यू तो आप रख सकते हैं फाई ऑफ टी। तो ये वन के साथ हो गया और ये हो गया फाई ऑफ टी और ये डी टी। लेकिन अब आगे क्या होगा, आगे फाई ऑफ टी का इंटीग्रेशन तो हमें पता ही नहीं है, क्वेश्चन में नहीं दिया कि फाई ऑफ टी का इंटीग्रेशन क्या होगा। अगर हम यहाँ पर इंटीग्रेट करते हैं तो इसका तो डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा, फिर क्या करें। तो ये इसमें बस यहीं पर थोड़ा सा दिमाग लगाना था, बाकी कोई भी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में नहीं है। सोचो सोचो जल्दी सोचो क्या करें। अगर हम टी की वैल्यू रख दें, सपोज करो यहाँ पे टी की वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पर भी टी की वैल्यू रख देते हैं, तो क्या होगा। जरा यहाँ पर एक बार फिर से मैं नोट कर देता हूँ फाई ऑफ टी डी टी, वैसे इतनी बार नोट करने की ज़रूरत नहीं थी। और यहाँ वैल्यू रख देता हूँ मैं, टी की वैल्यू है एक्स क्यूब फाई ऑफ एक्स क्यूब माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फाई ऑफ एक्स क्यूब। यहाँ पर डी टी में प्रॉब्लम है, या डी और टी की वैल्यू भी रख दो, टी की वैल्यू क्या रख दो एक्स क्यूब, भाई सब जगह रख रहे हो ना, तो यहाँ पर भी रख दो। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, अगर आपको याद हो तो, ऐसे भी काम हमने पहले कभी किए हुए हैं जिसमें डी के साथ एक्स नहीं आता था, कुछ और आ जाता था तो उसको भी डिफ्रेंशिएट कर देते थे, कुछ नया काम यहाँ पर नहीं होता है। तो ये 1/3 हो गया एक्स क्यूब फाई ऑफ एक्स क्यूब माइनस फाई ऑफ एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का क्या डिफरेंशिएशन होता है, 3x² dx, एक्स क्यूब का होता है ना 3x². तो अब ये बन गया हमारा क्वेश्चन। तो 1/3 अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स क्यूब फाई ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1/3 साथ में 3 मल्टीप्लाई में फाई एक्स क्यूब x² dx, और प्लस सी तो साथ में चल ही रहा है तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है 1/3, क्या जाएगा हमारा आंसर, 1/3 एक्स क्यूब वन बाई थ्री एक्स क्यूब फाई ऑफ एक्स क्यूब, 3 से 3 कट हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ फाई ऑफ एक्स क्यूब x² dx प्लस सी। ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास, एक में 1/3 है दूसरे में नहीं होना चाहिए, तो या तो ए हो सकता है या तो सी। तो x² 5x³ और यहाँ पर 1/3, अच्छा इसमें भी 1/3 बिल्कुल बाहर है, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 1/3 है दूसरे में नहीं है, और वो है हमारा ऑप्शन सी। बताइए इसमें कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको। ओके, यहाँ पर हमने क्या किया है, सबसे पहला काम एक्स क्यूब को टी लेट कर लिया। जैसे ही हमने एक्स क्यूब को टी लेट कर लिया तो 3x² dx dt बन गया, तो x² dx की वैल्यू dt/3 हो गई। तो हमने एक तो ये काम किया कि पूरे को टी के टर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो ये x² जहाँ दिखेगा वहाँ dt/3 रख देंगे। तो हमारा क्वेश्चन ये था, इस क्वेश्चन को यहाँ नोट किया, एक्स क्यूब 5 को हमने ब्रेक कर लिया, 5 को 3 और 2 में ब्रेक कर लिया, ये 3 पावर और ये 2 पावर के साथ dx इसलिए ले लिया क्योंकि हमें पता है कि
एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या बन जाएगा, डी टी बाई थ्री, और यहाँ एफ ऑफ एक्स क्यूब था तो इसको एफ ऑफ टी बनाना जरूरी था, क्योंकि एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है वो फाई साई एक्स की इक्वल गिवन है। तो यहाँ पर ये टी और एफ ऑफ टी करके बन गया, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा दिया, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सेकेंड फंक्शन। और जैसे ही यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाया तो ये हम यहाँ तक आ गए, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन। तो जहाँ जहाँ पे फाई एक्स डी एक्स दिख रहा था उसकी जगह पे साई ऑफ, जहाँ पे एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिख रहा था वहाँ पे साई ऑफ टी रख दिया, यहाँ पर भी दिख रहा था ये वैल्यू तो इसकी वैल्यू भी हमने साई टी यहाँ पर पुट कर दिया। अब प्रॉब्लम ये यहाँ पर आ गई कि जैसे ही हमने इसको पुट कर दिया तो ये बन गया 1/3 टी साई ऑफ टी माइनस फाई साई ऑफ टी डी टी। टी की वैल्यू अब यहाँ पर हमें रखनी पड़ी क्योंकि इस तरह के ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन तो हमारा एक्स में है तो हमें जहाँ जहाँ पे टी दिखाई दे रहा था वहाँ पर हमने टी की वैल्यू क्या पुट कर दिया, यहाँ पर पुट टी इक्वल टू एक्स क्यूब यहाँ पर पुट कर दिया। जैसे ही हमने जहाँ जहाँ टी दिख रहा था वहाँ एक्स क्यूब पुट किया तो यहाँ का में कोई प्रॉब्लम नहीं, जहाँ टी था वहाँ एक्स क्यूब, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं जहाँ टी था। डी टी इस टी की जगह पे हमें एक्स क्यूब रखना पड़ गया और डी एक्स क्यूब की वैल्यू जो होती है, जो ये डी एक्स क्यूब होता है इसकी वैल्यू होती है 3x² dx। सबको पता है ना कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब क्या होता है, 3x², तो डी एक्स क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3x² dx, वही कर दिया यहाँ पर। तो ये वैल्यू यहाँ पर आ गई हमारे पास 3x² dx, और बस फिर 3 से 3 कट हो गया, 1/3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, x² dx ये था, ये साथ में चल रहा था 5x³ हो गया, और फिर यही हमारा सी ऑप्शन आ गया। बताइए अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसमें। ओके, बहुत बढ़िया, चलते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 4, ये 5 है। इस तरह के क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ कि इनमें हमें पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है, एक बार फिर से इसको मैं बता देता हूँ कि जब भी कभी कांस्टेंट वाला कोई क्वेश्चन आता है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कांस्टेंट निकालने के लिए, तो हम क्या करते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन के क्वेश्चन छोटे छोटे तो होते नहीं, काफ़ी लेंथी कैलकुलेशन वाले होते हैं, कई सारे क्वेश्चन बहुत लेंथी होते हैं, तो फिर उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक तो इसका मेथड है कि पहले हम पूरा लाइन से सॉल्व करना स्टार्ट कर दें, देखते ही शुरू कर दें कार्यक्रम अपना, 10 को साइन कॉस में ब्रेक किया, वहाँ ऊपर दिख रहा कि साइन कॉस में आ रहा तो इस तरह कर दिया। और या तो एक काम कर सकते हैं कि दोनों पार्ट को एक साथ लेके चलते हैं और सीधे जब भी कभी कांस्टेंट का केस हो, इम्पॉर्टेंट पॉइंट करके यहाँ पे नोट कर लेंगे, जब भी कभी हमारे पास वो हमसे कांस्टेंट की वैल्यू पूछेंगे, जब भी कभी हमें कांस्टेंट की वैल्यू हमसे पूछी जाएगी देन हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 99% केसेस में काम करेगा, 1% में हो सकता है कहीं कोई प्रॉब्लम फंस जाए, नहीं तो 99% केसेस में इजीली हम सॉल्व कर लेंगे, ज़्यादा लेंदी कैलकुलेशन में नहीं होगा और इजीली सॉल्व हो जाएगा। जैसे देखते हैं यहाँ पे, बस हमें क्या करना है कि यहाँ पे 10 है और यहाँ पे साइन कॉस दिया हुआ है तो पहले इसको साइन कॉस में ज़रूर ब्रेक कर लो, तो ये हो जाएगा 5 sin x अपॉन कॉस, और नीचे भी कॉस है तो sin x - 2 cos x, और यहाँ पर हो गया x+dx के साथ x+aln मॉड के अंदर sin x - 2 cos x और प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट है तो एक ही वैल्यू पूछ रहा है। अब इस तरह के क्वेश्चन जब भी कहीं दिखाई दे, ओके आ गया आंसर, वेरी गुड, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड, ये भी काम हम पहले कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन ही करवाया हुआ था। ओके तो कर दीजिए फिर, यहाँ पे फिर आंसर आ गया होगा सभी का 5 sin x, ये x का 1 हो गया, यहाँ पर a है, log x का क्या होता है 1/x, तो sin x - 2 cos x, और sin x - 2 cos x का डिफरेंशिएशन cos x + 2 sin x,
और प्लस कांस्टेंट के का 0 हो गया। जैसे ही हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो देखो साइन एक्स का कोफिशेंट यहाँ दिख रहा है। अब इसके आगे अच्छा अपॉन में इधर भी चल रहा था साइन एक्स माइनस टू कॉस एक्स, जैसे ही एलसीएम लेके कट करोगे तो आ जाएगा साइन एक्स माइनस टू कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस टू ए साइन एक्स। बस यहाँ पे साइन एक्स के कोफिशेंट को साइन एक्स के कोफिशेंट को कंपेयर करा लेते हैं। साइन एक्स का कोफिशेंट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2a है और यहाँ पर 5 है। तो कंपेयरिंग द कोफिशेंट ऑफ साइन एक्स का किया तो 5 इक्वल टू आ गया 1 प्लस 2a, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, आंसर आ गया हमारा। कॉस का होता है तो कॉस का कंपेयर कर लो, साइन का है साइन कर लो। देखो ना कॉस का भी करोगे तो यहाँ कितना आएगा ए माइनस टू, तो ए माइनस टू की वैल्यू 0, तो तब भी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ये कंपेयरिंग द कोफिशेंट ऑफ क्या हो गया कॉस एक्स, ये किसका था साइन एक्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। चलिए ये तो ईजी था, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। इस तरह का भी क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा याद तो होगा ही आपको। ये क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा 6। करिए इसका भी आंसर बताइए एबीसीडी में क्या होगा, अपने से करना है, इधर उधर की मदद नहीं लेनी है, पीछे का कॉन्सेप्ट भी देखने की जरूरत नहीं, हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है इसमें। साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा का क्वेश्चन सेम यही कराया हुआ था, साइन एक्स माइनस अल्फा जो था उसमें एक्स माइनस अल्फा को टी लेट करना होता है और सीधे सॉल्व हो जाता है इजीली। तो आप भी एक्स माइनस पाई बाई 4 को टी लेट कर ले और डायरेक्ट सॉल्व करके आंसर जल्दी से बताए कि ए बी सी में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सी ऑप्शन आ गया, बहुत बढ़िया, सही है, बिल्कुल सही है। एक्स माइनस पाई बाई 4 को टी लेट कर लेंगे और उसके बाद इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, पाई बाई 4 प्लस टी, तो डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी डी टी। तो हमारा क्वेश्चन चेंज होके आ जाएगा अंडर रूट 2 साइन ऑफ एक्स की जगह हो जाएगा टी प्लस पाई बाई 4 होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ टी और यहाँ पर आ जाएगा डी टी। तो बस उसके बाद इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम, साइन ए कॉस बी साइन टी कॉस पाई बाई 4 प्लस कॉस टी साइन पाई बाई 4 और होल डिवाइडेड बाई साइन टी, अलग कर लेते हैं, इसके अपॉन में भी साइन टी और इसके अपॉन में भी साइन टी और ये डी टी हो गया, ये साइन टी कट हो जाएगा। तो अंडर रूट 2 कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू 1 बाई रूट 2 होती है,
तो ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ dt प्लस यहाँ भी रूट टू से मल्टीप्लाई होगा और अपॉन में फिर रूट टू आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस अपॉन साइन कॉट टी डी टी। कॉट एक्स का सबको पता है लॉग साइन एक्स होता है, तो ये तो कट हो गया, ये हो गया टी प्लस लॉग मॉड के अंदर साइन टी प्लस सी। तो टी की वैल्यू क्या हो गई, टी की वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स माइनस पाई बाई फोर ये आ जाएगा प्लस लॉग ऑफ मॉड के अंदर साइन टी की वैल्यू एक्स माइनस पाई बाई फोर और प्लस सी। अब इन्होंने क्या होशियारी कर दी, यहाँ पर इस पाई बाई फोर को कांस्टेंट के साथ मर्ज करके एक नया कांस्टेंट लिख दिया है, तो घबराने की कोई बात नहीं, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट कोई नया कांस्टेंट बन जाएगा, साइन ऑफ एक्स माइनस पाई बाई फोर और प्लस कोई कांस्टेंट सी डैश, या इसको सी डैश लिया है तो इसको सी लेट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कांस्टेंट की कोई टेंशन ही नहीं है, आप कुछ भी लेट कर लें, के लेट कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन है, सी एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस पाई बाई फोर प्लस, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को बताइए भाई, नहीं तो फिर आगे चले क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7। ये भी हम कर चुके हैं, ये भी सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं, याद होगा ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का फॉर्म है ये, इसको करने के मैंने तीन मेथड बताए हुए हैं, उन तीन में से कौन सा मेथड आप यूज़ करेंगे, क्योंकि लॉग 10 चाहिए हमको, लॉग 10 एक्स किसका फॉर्मूला होता है, किस टाइप का फॉर्म बनना चाहिए, ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं। सोचो, दे रहा हूँ 2 मिनट का टाइम, आप सोचे और आंसर बताएं इसका। वन अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का फॉर्म है ये, इसके क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, डायरेक्ट टाइप बना के इसके फॉर्म के बारे में बात हुई है हमारी। ये कॉन्सेप्ट हमने ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ा हुआ है कि ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स अगर आता है तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं और फिर इसकी फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। याद आ रहा कि कर रहे हैं,
कभी कभी ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स का फंक्शन होता है, तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पर लगता है। तो यहाँ पर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू 2 आ जाएगी। तो हम 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं। और कैसे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे देखते हैं। यहाँ पर लिख दिया मैंने 1/√2, और यहाँ पर लिख दिया मैंने 1/√2 के साथ कॉस एक्स प्लस √3/2 के साथ साइन एक्स। बस इसके बाद क्वेश्चन में कोई दम नहीं रह जाती है। बस हमें ये ध्यान रखना होता है कि भाई हमें बनाना किसका फॉर्म है। तो log 10 के सारे फार्मूले बन रहे हैं। log 10x, तो किसका फार्मूला होता है ये इंटीग्रेशन? log 10x किसका इंटीग्रेशन होता है log 10 के टर्म में? तो अगर आपको याद हो तो cosec x का होता है log 10x/2। तो इसका मतलब cosec बनाना पड़ेगा। cosec बनाने के लिए नीचे sin बनना चाहिए। तो sin बनाने के लिए यहाँ पर ये हो गया a sin a cos b प्लस cos a और साइन बी, कुछ ऐसा फॉर्म बन जाए। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? साइन एक्स प्लस पाई बाई क्या लिखे, 3/6 लिखूं? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो यहाँ पर 6 लिख दूँ तो चलेगा? देख लो, साइन एक्स कॉस पाई बाई 6 कॉस 30 साइन 60 हो जाएगा। साइन 60 √3/2 और कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी। बस उसके बाद तो फिर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बन जाएगा कॉसेक एक्स प्लस पाई बाई 6 dx, और उसके बाद कॉसेक एक्स का इसको चाहो तो टी लेट कर लो, ये ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन अभी हम चूंकि एक एक स्टेप कर रहे हैं तो चलो कर लेते हैं। कॉसेक टी dt हो गया। इसको हमने एक्स प्लस पाई बाई 6 को टी लेट कर लिया। ज़रूरत नहीं है क्योंकि साफ साफ एक्स का कोफिशेंट 1 दिख रहा, तो dx dt की इक्वल आ जाएगा। तो 1/√2 हो गया यहाँ पर। अब आगे सोचो, आगे क्या करोगे यहाँ पर? अच्छा, ये 1/√2 कैसे आया भाई? हमें 2 से डिवाइड करना था, कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है। यहाँ पर तो हमारे पास जो आया था वो अंडर रूट, ओके ओके, वो तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से 2 आ गया था। तो ये √2 का तो कोई चांस ही नहीं है, तो रूट तो आने से ही रहा। तो ये रूट हटा देते हैं भाई। अच्छा, यहाँ पर हमने 2 से डिवाइड किया, यार √2 से बहुत बड़ा अंधेर चल रही है। तो फिर √2 का तो कोई चांस ही नहीं है, इसको भी हटाओ यहाँ से, देखते हैं क्या बनता है। फिर एक मिनट, ये बन गया हमारा फिर से क्वेश्चन। हमें 2 से डिवाइड करना है, तो हमने क्या किया, 2 से यहाँ डिवाइड किया। सही बात है। और यहाँ भी √3/2 हो गया, तो ये क्या बन गया, 1/2 साइन ए प्लस बी बनाना है। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये तो साइन ए बन गया, ये बन गया साइन ए, इसको बनाना है कॉस बी, और ये कॉस ए तो दिख रहा है, इसको बनाना है साइन बी। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, अच्छा एंगल तो सही था, साइन 30 नहीं, साइन ए कॉस बी, कॉस 30 साइन 60 √3/2, अब सही है। तो ये बन गया कॉसेक, तो ये बन गया 1/2 बाहर चल रहा था भाई, तो ये 1/2 आ गया, तो ये भी 1/2 हो गया। कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन, कॉसेक एक्स का क्या हो जाएगा, log 1/2 के साथ log 10x/2 प्लस सी। सबको पता है ये फॉर्मूला, तो 1/2 log(10) और जैसे डिवाइड बाई 2 करोगे तो x/2 प्लस π/12 आ जाएगा और प्लस सी। तो अब ये कौन सा ऑप्शन, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1/2 log 10x/2 प्लस π/12 प्लस सी। तो यहाँ इसका भी आंसर जो है वो सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, प्रॉब्लम इसमें किसी को? 7th वाले में बहुत इजी था ये, तो हमने फॉर्म ही पूरी पढ़ी हुई थी। हाँ, ये जो इसके बाद 8th वाला क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा देख के, इसमें भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी हमें पता होने चाहिए कि इस टाइप के कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है ये हमारा।
ये भी इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट समझ में नहीं आने वाला। अब देखो यहाँ पर करो करो, इसको ट्राई करो एक बार, बताओ कैसे करेंगे, सोचो थोड़ा सा, नहीं होगा तो फिर बात करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में हमको सबसे पहला काम ये याद रखना है कि सबसे पहला काम कि लॉग एक्स को देखते हुए सीधे लॉग एक्स को टी रख देंगे, तो एक्स इक्वल टू ई टू द पावर टी आ जाएगा और डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर टी डी टी हो जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर आप रख दीजिए, तो लॉग एक्स की जगह पे टी माइनस वन का होल स्क्वायर और नीचे वन प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और डी एक्स की वैल्यू ई टू द पावर टी डी टी। अब यहाँ पर होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं तो टी स्क्वायर प्लस वन माइनस टू टी होल डिवाइडेड बाई वन प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर ई टू द पावर टी डी टी। अलग अलग डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर, टी स्क्वायर प्लस वन वन प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और ई टू द पावर टी डी टी। ये पूरा का पूरा पार्ट कट हो जाएगा तो ये बन जाएगा वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर माइनस टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और ई टू द पावर टी डी टी। अब यहाँ पर तुम्हें देख के समझ में आएगा कि ये कौन सा फॉर्म बन रहा है, ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ये वाला फॉर्म हमने पढ़ा होगा ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, तो इसका होता है ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ई टू द पावर एक्स, ये एफ एक्स है और अगर ध्यान देंगे तो ये एफ डैश एक्स आ जाएगा क्योंकि जैसे ही वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वन अपॉन एक्स का क्या होता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर और जिसको भी एक्स लेट करते हैं उसको अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वन प्लस टी स्क्वायर का टू टी, तो माइनस टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये बन गया ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स और इसका रिजल्ट क्या हो जाता है ई टू द पावर एक्स एफ एक्स तो ई टू द पावर टी और वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर और प्लस सी। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ई टू द पावर टी की वैल्यू क्या है एक्स है, ई टू द पावर टी की वैल्यू क्या है एक्स है, ई टू द पावर टी की जगह पे एक्स है और टी की जगह पे क्या है लॉग एक्स है, t
टी की वैल्यू लॉग एक्स है, तो ई टू द पावर टी की जगह पे एक्स अपॉन वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर और प्लस सी। तो ये आंसर हमारा आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाएगा देख लेते हैं। यहाँ पर एक्स अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर प्लस वन, तो ये एक्स अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर प्लस वन डी ऑप्शन जो हमारा है वो साफ साफ दिख रहा है कि डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर बताइए, कोई प्रॉब्लम है इसमें यहाँ तक किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा ये क्वेश्चन तो सेम है, अभी हमने किया था वही सेम क्वेश्चन देखो फिर रिपीट हुआ है, तो इसको मैं नहीं सॉल्व करता हूँ। ये तो आप कर चुके हैं ना क्वेश्चन नंबर 9, ये अभी हम लोगों ने किया था, सेम क्वेश्चन है। क्या करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में, अभी हमने किया था ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स का फॉर्म है, अभी किया हुआ था ना ये सेम क्वेश्चन, अभी किया हुआ है तो सेम है क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा क्वेश्चन था? सेम है क्वेश्चन नंबर अभी जो किया था 7। तो यहाँ लिख लेते हैं सेम है क्वेश्चन नंबर 7, तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। अच्छा ये भी क्वेश्चन अभी कांस्टेंट निकालने वाला है, ये भी आप कर चुके हैं, ये 7 ही था ना। ये क्वेश्चन नंबर 10 इसको भी कर लेते हैं, ये भी अभी वैसे हमने किया हुआ है, सेम क्वेश्चन कांस्टेंट निकालने वाला है, बस डिफरेंशिएट जैसे ही करोगे एक लाइन में आंसर आ जाएगा। ओके तो ये भी हो गया। ये कौन सा क्वेश्चन है? सेम एज, चलो इसका आंसर लिख लो आप, इसका आंसर ए है, इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चेक कर लेंगे, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और 10 वाला भी हम कर चुके हैं, क्लास में डिस्कस कर चुके हैं 10th वाले को, तो 10th वाले का आंसर भी क्या है? बी है, कॉस अल्फा, ये भी हम डिस्कस पहले कर चुके हैं, तो ये भी होमवर्क हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, ये बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, टू थाउजेंड ट्वेल्व में, मेंस में नहीं आया ये, एडवांस में आया हुआ है, क्योंकि ट्वेल्व जो है 12 में पेपर एक ही होता था, मेंस एडवांस अलग अलग नहीं थे, 13 से ये चालू हुआ है, तो 12 में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल है, एक बार इसको ट्राई करें आप, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है ये, एक बार ट्राई करें, फिर नहीं होगा तो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। सेम इस टाइप के तो नहीं हमने डिस्कस किया, लेकिन यही क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन हम कर सकते हैं। हमने सेक एक्स प्लस टेन एक्स दिख रहा हमको, तो क्या करें, ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है, इसमें 10th क्लास में भी इसका कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, अगर याद हो आपको तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स जो होता है वो 1 होता है, उसी से रिलेटेड कुछ ये यहाँ पर हमें काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सेक एक्स प्लस टेन एक्स को टी लेट कर लेंगे, इसको मैं बता देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है ये, सेक एक्स प्लस टेन एक्स को टी लेट करेंगे, तो सबसे पहला काम सेक एक्स प्लस टेन एक्स तो टी हो जाएगा, तो सेक एक्स माइनस टेन एक्स क्या हो जाएगा,
ये हमें याद होना चाहिए कि ये sec x plus tan x अगर t है तो sec x minus tan x 1 upon t हो जाएगा. क्यों? क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा है sec square x minus tan square x 1 होता है. तो a square minus b square जैसे ही अप्लाई करोगे तो a plus b a minus b 1 हो जाएगा. अब यहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि देखो जैसे ही तुम इसको डिफ्रेंशिएट करोगे sec x plus tan x को t तुमने लेट किया है तो sec x को जैसे ही यहाँ पे तुमने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x तो sec x का sec x tan x हो गया sec x tan x और tan x का हो गया sec square x dx के साथ dt. तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि यहाँ पर sec x है और tan x plus sec x है dx के साथ ये dt दे रहा है तो इसकी वैल्यू तो t हो जाएगी. तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या आएगी? sec x dx इक्वल टू dt अपॉन t ये आ जाएगा. जबकि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पर sec स्क्वायर x के साथ dx है और हमें चाहिए सिर्फ sec x dx. तो सिर्फ एक ही sec चाहिए तो एक sec की वैल्यू t के टर्म में निकालनी पड़ेगी क्योंकि हमें पूरा फंक्शन तो t के टर्म में ही आना चाहिए ना. तो यहाँ पर sec x प्लस टेन एक्स एक इक्वेशन है और ये दूसरी है. तो यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करके हमें t की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. कैसे निकालेंगे? हम इन्हीं दोनों इक्वेशन को जरा सॉल्व करते हैं. ये जो दो इक्वेशन है इनको ऐड कर देते हैं. एडिंग वन एंड टू, जैसे वन और टू को ऐड करोगे तो यहाँ से sec x की वैल्यू आ जाएगी. sec x क्या हो जाएगा? t प्लस वन अपॉइंट टी और टू sec x होगा तो इसको वन अपॉइंट टू कर देते हैं क्योंकि हमें sec x की ज़रूरत पड़ेगी ना भाई. हमारा क्वेश्चन जो है वो हमारा जो क्वेश्चन है उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ. हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है? sec x और एक sec x dx ये है और दूसरा अपॉन में है sec x प्लस टेन एक्स की होल पावर 9/2 ये है. तो बस अब इसी के बाद इसको अब आपको समझ में आ गया होगा कि सब कुछ वैल्यू हमें पता चल गई. इसकी वैल्यू ये पुट कर देंगे जो ये sec x है, हाफ बाहर निकाल दो, t प्लस वन अपॉन टी ये हो गया t प्लस वन अपॉन टी. उसके बाद sec x dx क्या बन जाएगा? dt बन जाएगा. sec x dx dt अपॉन टी बन जाएगा. तो ये क्या है? sec x t प्लस वन अपॉन टी. तो 1/2, एक मिनट इसको ज़रा लिख लेते हैं इसकी वैल्यू क्या आई है. sec x की वैल्यू आई है t प्लस 1/t. तो ये आया है t प्लस 1/t और sec x dx की वैल्यू जो है, ये जो sec x dx है इसकी वैल्यू dt अपॉन t आई है और अपॉन में क्या आएगा? t टू द पावर 9/2. तो अब देख लो इसके बाद सॉल्व करके 1/2 इसको आप आगे सॉल्व करें, देखें क्या बनने वाला है. यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आएगी कि सॉल्व हो जाएगा ये. तो इस टी से यहाँ पर हम कर देते हैं डिवाइड या टी को नीचे ले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं पर भी आप ले जाओ. तो ये बन गया, हो गया हमारा टी प्लस वन अपॉन टी डी टी, टी प्लस 1/t डी टी और ये वन में जाएगा तो 9 तो पहले से ही है, 11 हो जाएगा, 11/2. इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और अपॉन में 9/2 तो पहले से ही था और एक पावर और ऐड हो जाएगी तो टी की पावर 1 प्लस 9/2 यानी 11/2 हो जाएगी. और t की पावर 11/2 को अलग अलग डिवाइड कर दो, ये 11/2 और प्लस 1 अपॉन t इंटू टी टू द पावर 11/2 और साथ में dt. तो ये हो गया 1/2 टी टू द पावर 1 माइनस 11/2 माइनस 9/2 और प्लस ये 11 और 1 12 13/2 तो माइनस 13/2 और ये आ गया dt. चलिए अब सॉल्व करिए, आप आंसर बताइए इसका क्या रहा है. बस इसको इंटीग्रेट करना है और उसके बाद आंसर हमारा आ जाएगा. तो ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है हमारे लिए, इम्पॉर्टेंट. इसमें भी हमको एक चीज़ सीखने में आई कि भाई एक तो हमारा dx के साथ dt बन गया लेकिन दूसरा वाला प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है तो इसलिए उसकी वैल्यू भी t के टर्म में हम निकालें.
तो बस अब x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन अप्लाई कर देना है और ऑप्शन से मैच करा देना है। 1/2 बाहर तो चल ही रहा है। टी टू द पावर -9/2 प्लस वन तो -7/2 अपॉन -7/2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा टी टू द पावर -11 के बाद। अच्छा -9/2 है और यहाँ पर एक मिनट, 7 नहीं होगा क्योंकि -9/2 नहीं नहीं बिल्कुल सही था भाई। एक काम करते हैं यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे हमको। टी टू द पावर -9/2 प्लस वन -9/2 प्लस वन -13/2 प्लस वन -13/2 प्लस वन और प्लस सी, तो ये हो गया हाफ टी टू द पावर 2 -7/2 अपॉन -7/2 और माइनस का कितना हो जाएगा 11/2 अपॉन -11/2 और प्लस सी अपॉन 2 अपॉन 2 और ये 2 कट हो जाएगा और बस यही हमारा आंसर आ जाएगा। माइनस चाहे तो हम कॉमन ले सकते हैं और माइनस का कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा 1/7 t^7/2 प्लस 1/11 t^11/2। अब यहाँ से भी कुछ कॉमन आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है, 11/2 कॉमन ले ले तो 11/2 कॉमन ले लेते हैं तो -1/t^11/2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/11 क्योंकि पूरा कॉमन ले लिया और 7 के साथ क्या हो जाएगा यहाँ पे 11/2 लिया तो 4 हो गया, 4/2 2 हो गया तो ये हो गया 2 स्क्वायर तो टी स्क्वायर बन जाएगा t^2/7। देख लो ना यहाँ पर 11/2 अपॉन 7/2 करोगे तो 11 - 7 4, 4/2 2 तो बन गया t^2 सही है और प्लस सी तो ये माइनस का 1/10x टी की वैल्यू क्या है sec x प्लस 10x की होल पावर 11/2 1/11 प्लस 1/7 sec x प्लस 10x का होल स्क्वायर और प्लस सी ये हमारा आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इनमें से ABCD में? माइनस अपॉन में 11/2 सब में से कॉमन है 1/11 प्लस 1/7 sec x प्लस 10x तो ये हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। बताइए इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो तो, कहीं पर कुछ एक्सप्लेन करना हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइए। टू थाउजेंड थर्टीन से लेकर 2020 के भी अब क्वेश्चन आ चुके हैं ना, दोनों पेपर हो चुके हैं, जो फर्स्ट पेपर था और ये जो दूसरा अभी हुआ है 3-4 दिन पहले, तो ये दोनों के दोनों पेपर यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी मेंस में आए हैं क्वेश्चन और एडवांस तो अभी नहीं हुआ 20 का, लेकिन 19 तक हमें सारे मिल जाएंगे तो वो सारे क्वेश्चन हम करें, ज़रूर करें। इस चैप्टर को बहुत सीरियसली लें क्योंकि ये सबका बेस है, जितने भी इंटीग्रेशन में आगे मिलेंगे सबका बेस है, तो अगर इसको हम करेंगे अच्छे से तो ही हमारा आगे काम बढ़िया से हो पाएगा, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। बात समझ रहे हैं? तो सभी का मेन मोटो यही होना चाहिए कि इस चैप्टर में कमांड होनी चाहिए, काफ़ी वास्ट है, आज ये 20 लेक्चर है इसका तो काफ़ी बड़ा तो है ही है, कौन सा है 20, 18 या 19 है जो भी है, इतने सारे होने के बाद जो है ठीक है। बच्चों यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है इसमें बताइए। कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी जो क्वेश्चन छूट गए हैं जैसे 19 का 18 का 17 का वो सारे आप ट्राई करें ढूंढें, मिल जाएंगे सारे, और फिर कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे पास भेजें उसको।
चलिए आज फिर इतना ही करते हैं, ओके बच्चों।